हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवभारती स्टडी सर्कल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर कम से कम दो चार्जेस का जो सिस्टम होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चार्ज को, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज से बना हुआ है। अगर उस चार्ज को हम फर्स्ट टाइम किसी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं जिस पॉइंट तक हमें उसको लेकर आना है, तो सबसे पहले किसी भी एक सिस्टम बनाने में जो चार्ज हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर, मान लो पी पॉइंट पर हम लेकर आ रहे हैं, तो उसको लाने में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर कोई भी अदर चार्ज नहीं था, कोई भी अदर चार्ज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। तो इस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। लेकिन अब दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर हम लेकर आएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन हम लिखेंगे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम दो चार्ज के सिस्टम पर डिराइव करने वाले हैं। सो लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी। एट दोज पॉइंट्स देर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू। डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज स्मॉल आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क डन हमें निकालना है Q1 के लिए, एंड Q2 के लिए भी हमें वर्क डन निकालना है। तो जितना भी इस सिस्टम में वर्क हुआ चार्जेस को लाने में या फिर इस सिस्टम को क्रिएट करने में, वही वर्क डन क्या होगा इस सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। सो वी कैन से वर्क डन इन ब्रिंगिंग those charges Q1 and Q2 from infinity to these points A and B, at these point A and B, so what is the potential energy, that work done in bringing the Q1 and Q2 charges from infinity to A and B point is called potential energy to make this system of Q1 and Q2. So सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 चार्ज को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो वर्क डन इसके लिए कितना होगा, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था। इसके आने से यहाँ पर क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस Q चार्ज के लिए पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर। तो ये जो पोटेंशियल है वो किसके लिए है, क्यू वन चार्ज के लिए है। अब अगर हम बात करें किसकी, क्यू टू चार्ज की, तो क्यू टू चार्ज को भी सेम अपन इन्फिनिटी से कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अब हम इसे लेकर आ रहे हैं बी पॉइंट पर। तो इसके पहले यहाँ पर क्यू वन चार्ज जो है वो मौजूद है, वो उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर पहले से है। इसका मतलब क्या है, इस क्यू टू चार्ज को हम Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो जो वर्क होगा वो किसके लिए होगा, इस Q2 चार्ज के लिए होगा, और V कौन से के चार्ज के लिए, जो Q1 चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल अपना ये है। तो वर्क डन इस सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा, ये हो गया Q2 V इक्वल्स टू के Q1 अपॉन स्मॉल आर। सो के क्यू वन क्यू टू अपॉन स्मॉल आर, ये जो फार्मूला है वो टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वर्क का फार्मूला है, और यही वर्क का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम के लिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने सिर्फ दो चार्जेस को लेकर एक सिस्टम क्रिएट किया है, उस सिस्टम को हमने खुद ने ही बनाया है। कैसे, सबसे पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आ रहे हैं, इस A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। Now there is no electric field before bringing that Q1 charge from infinity to A point. So now we can say
जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आएंगे, B पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो इससे पहले इस Q1 चार्ज ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो क्या होगा, इस पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W का फॉर्मूला वी क्यू, तो ये वी क्यू हमने लिख दिया है। अब ये जो Q2 चार्ज है पहले से क्रिएटेड Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 के लिए क्या होगा, K Q1 अपॉन स्मॉल r होगा। वही पोटेंशियल हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा कि Q2 चार्ज है, और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम B पॉइंट पर लेकर आते हैं तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इस पोटेंशियल का को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे K Q1 अपॉन स्मॉल r, क्योंकि ये जो Q2 चार्ज है वो इस पोटेंशियल या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसने बनाया था, Q1 चार्ज ने बनाया था, उसको भी कंबाइन करता है। तो यहाँ वर्क डन कितना हो गया इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ स्मॉल r स्क्वायर हो जाए तब तो वो किसका फार्मूला बन जाएगा, कूलॉम्स लॉ के कारण जो हमने फोर्स का फार्मूला डिराइव किया था जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, उसका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, वो भी किसके लिए, ओनली जब सिस्टम में दो चार्जेस हो। अब इसके बाद हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसमें हम सिस्टम लेंगे जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस लेंगे। हम पहले कंसिडर करेंगे थ्री चार्जेस के लिए, और उसके बाद हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो फोर चार्जेस को लेकर करने वाले हैं। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। नाउ वी कंसिडर हियर थ्री चार्जेस ऑफ सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो तीन चार्जेस को लेके अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। मान लो हमने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ P1 पॉइंट है एंड R1 वेक्टर के लिए, ये P2 पॉइंट है, R2 वेक्टर है, और ये है P3 पॉइंट, R3 वेक्टर काम करेगा। यहाँ मान लो हमने प्लस Q1 चार्ज लिया है, अगर इसको हम 3 मान ले और इसको 2 मान ले तो यहाँ प्लस Q2 चार्ज ले लेंगे और यहाँ प्लस Q3 चार्ज ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो ये एक दो तीन, तीन चार्जेस का एक सिस्टम है। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है सेकंड के लिए वर्क, और फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है थर्ड के लिए वर्क। तो अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो लिख लेते हैं वन टू। तो यहाँ आर वन टू, यहाँ हम लिखेंगे आर वन थ्री, देन टू थ्री। देखो वन टू वन थ्री, देन टू को लेकर करेंगे तो टू थ्री, तो आर टू थ्री ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि इस सिस्टम को हमें क्रिएट करना है थ्री चार्जेस को लेकर। सबसे पहले हम प्लस क्यू वन चार्ज को लेकर आते हैं इस पी वन पॉइंट पर, देन उसको लाने में इन्फिनिटी से इस पी पी वन पॉइंट पर क्यू वन चार्ज को लाने में जितना वर्क हुआ वो वर्क कितना होगा, ज़ीरो होगा। हमने इससे पहले ये समझ लिया है कि क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बना, जब क्यू वन चार्ज को हम इन्फिनिटी से फर्स्ट टाइम इसी चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं थ्री चार्जेस का सिस्टम क्रिएट करने के लिए, देन इसके लिए जो वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। सेकेंड हम बात करते हैं जब Q1 के बाद में हम Q2 चार्ज को लेकर आते हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पर लेकर आने में जो वर्क हुआ वो वर्क किसके लिए होगा, W2 वर्क होगा, और इसे हम लिखेंगे Q2V, और ये V किसके लिए है, जो फर्स्ट चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा पोटेंशियल, K Q1 अपॉन स्मॉल r।
देन हमारे पास इसके लिए वर्क निकल जाएगा और यही वर्क क्या है, एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में। तो ये सिर्फ वर्क किसके लिए आया है, Q2 के लिए आया है। फर्स्ट वर्क जो था वो हमारे लिए कितना था, जीरो था। अब थर्ड चार्ज को लेंगे, अब थर्ड चार्ज को जब इन्फिनिटी से हम P3 पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो इसके पहले हम दो चार्जेस को लेकर आ चुके हैं, तो दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर आएगा Q3 चार्ज के लिए। तो करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इसको लाने में जो वर्क हुआ वो वर्क डन आएगा जीरो, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल बनता है, वो पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर जो है वो किसके लिए होगी, 1, 2 के लिए हो जाएगी, क्योंकि हम सेकेंड वाले चार्ज को चार्ज में इसकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। कैसे, Q2 चार्ज के लिए जब हम वर्क निकालते हैं तो W2 क्या आता है, Q2V आता है, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, Q2V की जगह हम पुट करने वाले हैं KQ1 अपॉन। अब देखिए ये 1 के रेस्पेक्ट में 2 के लिए हम वर्क निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर R 1-2 डिस्टेंस या फिर ये पोजिशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये बात कर ली हमने, ये फर्स्ट, ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड, अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 चार्ज को हम इन्फिनिटी से P3 पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो इससे पहले दो पोटेंशियल्स हम लोगों को मिल रहे हैं, एक पोटेंशियल तो ये, सेकंड पोटेंशियल सेकंड वाले चार्ज के लिए हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं W3, वो क्या होगा Q3, और यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट के लिए हमें पता है पोटेंशियल कितना है, फर्स्ट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा KQ1 अपॉन R 1-2 प्लस, सेकेंड जो पोटेंशियल होगा वो सेकेंड चार्ज के लिए है, और हम इसको 3 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 2 और 3 के लिए जो पोजिशन वेक्टर होगा वो 2-3 आ जाएगा। तो अब हमने बात कर ली है थर्ड वर्क की, तो फर्स्ट वर्क हमारे लिए क्या आता है, 0, सेकेंड वर्क हमारे लिए आता है KQ1 Q2 अपॉन R 1-2, थर्ड वर्क जो आता है वो Q3 के लिए है, जब Q3 चार्ज को हम इन्फिनिटी से P3 पॉइंट पर लेकर आते हैं, और इससे पहले दो चार्जेस आ चुके हैं, दोनों चार्जेस के पोटेंशियल हमने पुट कर दिए हैं, किसके लिए, थर्ड वाले चार्ज के लिए। तो थर्ड हम वर्क निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये पोजिशन वैक्टर भी चेंज हो जाएगा, ये अब आ जाएगा 1-3, क्योंकि फर्स्ट हमने पढ़ा था 1 के लिए, सेकंड अगर अपन 1-2-3 की बात करें तो ये 1-2, ये 1-2 आ गया, थर्ड के लिए हम बात करें तो 1-3 आ गया, तो ये 1-3 ये वाला पॉइंट है। अगर थर्ड वाले चार्ज की बात करेंगे हम, तो 3 को हम 2 के साथ भी लेंगे और 3 को हम 1 के साथ भी लेंगे, तो 3 को हमने जब 2 के साथ लिया तो पोजिशन वैक्टर आ गया R 2-3, जब हमने इसको 1 के साथ लिया तो पोजिशन वैक्टर आ गया R 1-3, और इसी तरह से अगर हम फर्स्ट इसके प्रीवियस वर्क की बात करें तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, दो ही चार्जेस ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट के लिए तो पोटेंशियल हमने देख लिया था, और यहाँ R 1-2 किस तरह आया है, क्योंकि सेकंड चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर पोजिशन वैक्टर क्या होगा, 1-2 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1-2-3, एक पोजिशन वेक्टर 1-2 में, दूसरा पोजिशन वेक्टर ये 1-3 में और 2-3 में। तो इस तरह से हम यहाँ पर पोजिशन वेक्टर्स लिखते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ हम किस चार्ज के लिए वर्क निकाल रहे हैं, 3 के लिए वर्क निकाल रहे हैं तो 3 जो है वो 1 के साथ भी इंक्लूड होकर आएगा, और 3 जो है वो 2 के साथ भी इंक्लूड होकर आएगा। तो अगर फर्स्ट है यहाँ पर तो 1-3 हो जाएगा, यहाँ 2 चार्ज के लिए है तो 2-3 हो जाएगा। अब क्या करना है, जितना भी वर्क हमने निकाल लिया है यहाँ पर फार्मूला वाइज, तो उन सभी फार्मूलाज को, वर्क के फार्मूलाज को हमें प्लस करना है, और वही जो वर्क है वो टोटल वर्क होगा, और वही वर्क क्या होगा, इस सिस्टम के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब हम इसको सम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, चार्ज 1 के लिए, चार्ज 2 के लिए एंड चार्ज 3 के लिए, तीनों चार्ज को हम इन्फिनिटी से P1, P2 एंड P3 पॉइंट पर लेकर आए हैं, यही सारा वर्क टोटल होके क्या बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। सो व्हाट वाज द वर्क फर्स्ट, 0 प्लस सेकंड वर्क कितना आया था, K Q1
Q2 अपॉन R12। थर्ड वर्क हमने लिया था के Q1 Q2 अपॉन, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन R13 प्लस इस 3 को साथ में हम लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 3 अपॉन R23। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने किसकी बात की थी, चार्ज फर्स्ट की बात की थी, या हम सेकंड चार्ज को फर्स्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये R12 आ गया। यहाँ थर्ड चार्ज को, ये थर्ड वाला वर्क था, थर्ड चार्ज को हमने देखा फर्स्ट के रेस्पेक्ट में एंड थर्ड चार्ज को ही हम देख रहे हैं 2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1-3, 1-3, 2-3 एंड 2-3, ये कंडीशंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तीनों वर्क को जब हम प्लस करते हैं तो देखिए क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है के, W इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये कंडीशन आती है टोटल वर्क डन की, और यही जो टोटल वर्क डन है वही टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ऑफ 3 चार्जेस। तो आज हमने इसमें क्या देखा है कि यहाँ हमने सबसे पहले 2 चार्जेस के लिए एक सिस्टम बनाया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया। कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हम पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास आता है K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल R। तो देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूले बन रहे हैं। तीनों वर्क के लिए हमने देख लिया, फर्स्ट वर्क हमारे लिए 0 आया, सेकंड वर्क ये है, थर्ड वर्क दोनों चार्जेस के लिए इंक्लूड है, किसके लिए, थर्ड जो है वो फर्स्ट के साथ है, थर्ड सेकंड के साथ है। तो यहाँ हम इस वर्क की बात करते हैं, और यही वर्क क्या है, इस पूरे 3 चार्जेस के सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब थर्ड हम देख लेते हैं कि अगर हम 4 चार्जेस का सिस्टम ले तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सेम प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। सो नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। तो 4 चार्जेस हम ले रहे हैं, तो एक स्क्वायर फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं। ये मान लो हमने एक स्क्वायर बनाया है, इसके 4 पॉइंट्स पर, यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज लेकर आएंगे, प्लस Q2 चार्ज, प्लस Q3 चार्ज एंड प्लस Q4 चार्ज। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट जब चार्ज लेकर आते हैं तो वर्क डन आता है 0, सेकेंड चार्ज लेकर आते हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 1-2 के लिए हम R12 लिख लेंगे पोजिशन वेक्टर। फिर हम थर्ड चार्ज के लिए 1-3, ये 1 एंड 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो पोजिशन वेक्टर होगा वो R13 के लिए होगा। थर्ड हम 1-4 की बात करें तो 1-4 के लिए हम R14 लिख लेंगे। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, 2 पर आते हैं, 2 चार्ज को किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड के रेस्पेक्ट में, तो 2-3 ये वाला कौन सा होगा, 2-3 R23, देन R24 कौन सा होगा, ये विकर्ण, ये आ जाएगा R24, देन 3-4 होगा, एक कौन सा आ रहा है, 3-4 R34, हम इसको यहाँ लिख लेंगे। सो नाउ वर्क फर्स्ट क्या होगा, Q1 चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को बनाना। पहले कोई भी सिस्टम नहीं था, Q1 चार्ज को जब लेकर आएंगे तब वहाँ पर पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम, देन वर्क डन कितना आ गया इसमें, 0 आ जाएगा। सेकेंड हम चार्ज को लेकर आएंगे Q2 चार्ज को, अब पहले से ही Q1 चार्ज से रिलेटेड वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क आएगा। Q3 चार्ज के लिए Q1 एंड Q2 पहले से ही है, तो Q3 चार्ज जो है वो कंबाइन होगा Q1 एंड Q2 एंड Q3 तीनों चार्ज के लिए। Q3
Q4 चार्ज को जब हम लेकर आएंगे तो पहले से मौजूद रहेंगे अपने पास Q1 चार्ज, Q2 चार्ज एंड Q3 चार्ज. देन उनके कारण जो इसके वर्क पर जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट कितना होगा, क्या इफेक्ट होगा. तो अब देखते हैं हम सबसे पहले W1 इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड W2 की अगर हम बात करें तो Q2 V1 होगा, वो V1 जो है वो किसके लिए है, Q1 चार्ज के लिए है. तो K Q1 अपॉन R12 हम लिख देंगे, ये अपने पास आ गया सेकेंड वर्क. थर्ड वर्क की अगर हम बात करें तो वो Q3 चार्ज को हम जब लेकर आएंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, देन ये आ जाएगा वर्क Q3 के लिए W3. तो यहाँ जो वर्क डन होगा उसमें आएगा पोटेंशियल दोनों चार्जेस के लिए, Q1 के लिए भी और Q2 के लिए भी. सो K Q1 लिख लिया हमने और प्लस K Q2 चार्ज के लिए लिख लिया. अब वर्क डन क्या होगा, 1 है और 3 के साथ लेना है तो R13, 2 है और 3 के साथ लेना है तो R23, ये हमारे पास इसका वर्क आ गया. देन हम किसकी बात करेंगे, W4 की बात करेंगे. तो ये फोर्थ चार्ज को हम जब इस सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे तो इसका किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा, Q1, Q2 एंड Q3 चार्ज के लिए जो पोटेंशियल था उसका इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ आ गया Q3. अब ये है अपने पास K Q1 के लिए आ जाएगा, K Q2 के लिए आ जाएगा और K Q3 के लिए आ जाएगा. तो ये तीन चार्जेस किसके लिए हैं, फोर्थ चार्ज जो है वो इन तीन चार्ज पे क्या करता है, डिपेंड करता है. अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल का, तो 1 का हम 4 के साथ तो R14 कर देंगे, 2 का 4 के साथ तो R24 आ जाएगा, 3 का 4 के साथ तो R34 आ जाएगा. तो इस तरह से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वर्क के फॉर्मूलास लिख सकते हैं. सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले Q1 चार्ज लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, देन वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वर्क कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया. इसके बाद Q1 चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी फील्ड के अंदर हम क्या लेकर आते हैं, Q2 चार्ज लेकर आते हैं. तो पोटेंशियल जो है वो किसके लिए होगा, Q1 चार्ज के लिए पहले से पोटेंशियल है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा वर्क के फॉर्मूले में. अब वर्क हम जब निकालते हैं Q3 चार्ज के लिए तो इससे पहले Q1 एंड Q2 चार्ज इस सिस्टम में ला दिए गए हैं तो उनके कारण जो पोटेंशियल था वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ये फर्स्ट चार्ज के लिए पोटेंशियल, ये सेकंड चार्ज के लिए पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल हम यहाँ ले लेंगे क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, QV होता है. ये Q आ गया, V दोनों पोटेंशियल जो पहले से थे दोनों चार्जेस उनके लिए है. फोर्थ हम बात करते हैं W4 के. W4 क्या है, जब हम Q4 चार्ज को लेकर आएंगे किसमें, इस सिस्टम के अंदर, तो Q4 चार्ज को जब इस सिस्टम में लेकर आते हैं तो Q4 से पहले हम किस किस चार्ज को लेकर आ चुके हैं, 1 को, 2 को एंड 3 को. तो तीनों के जो पोटेंशियल है वो इस तरह से ऐड होते जाएंगे, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए. पोजिशन वैक्टर्स कैसे चेंज हो गए, 1 जो है वो 4 के लिए तो ये आ जाएगा रेस्पेक्ट में 1 4, 2 4 के लिए हम निकाल रहे हैं तो 2 4 आ गया, ये 3 है 4 के लिए निकाल रहे हैं तो 3 4 इसमें पोजिशन वेक्टर आ गया. और ये जितने भी पोजिशन वेक्टर्स हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये वहाँ पर आपको डायग्राम में दिख जाएंगे. ये 1 2 पोजिशन वेक्टर ये आ गया, 1 3 पोजिशन वेक्टर है ये हो गया, 2 3 पोजिशन वेक्टर है ये आ गया, 1 4 पोजिशन वेक्टर है ये रहा, 2 4 पोजिशन वेक्टर है ये वाला है जो कि 4 एंड 2 को जोड़ रहा है आपस में, 3 4 पोटेंशियल ये जो पोजिशन वेक्टर है वो ये आ गया. तो इनको हम लिखने का तरीका क्या है, हम इसको 4 3 नहीं लिख सकते, 4 2 नहीं लिख सकते, ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, किसके लिए हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, उस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल हमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए निकालनी है तो टोटल वर्क हमें निकालना होगा. तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. अब जितने भी हमने वर्क निकाले हैं वो सब ऐड हो जाएंगे इस फॉर्मूले में. फर्स्ट तो हमारे पास 0 था, सेकंड हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं. देखो सब में K क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्टली हम क्या ले लेते हैं, K को कॉमन ले लेते हैं. सारी इक्वेशन में से डायरेक्टली हमने K को कॉमन ले लिया है. यहाँ क्या बच रहा है, Q1 Q2 अपॉन R12.
तो हम लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस सेकेंड हमारे पास टर्म आती है इसकी, हमने K कॉमन ले लिया है Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस थर्ड टर्म हम क्या लिखने वाले हैं Q3 ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर देन के Q2 Q3 अपॉन R23 देन प्लस करेंगे फोर्थ टर्म कौन सी है K को हमने कॉमन ले ही लिया है Q1 Q4 वाली है तो यहाँ हम K कॉमन आ गया है Q1 Q4 अपॉन R14 करेंगे देन नेक्स्ट हमारे पास टर्म कौन सी आती है 2 और 4 की देन Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस नेक्स्ट हमारे पास टर्म बचती है 3 और 4 की तो यहाँ टर्म आती है 3 और 4 के लिए Q4 अपॉन R34 तो ये हमें वर्क मिलता है टोटल वर्क तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने 4 चार्जेस का एक सिस्टम लिया है हमने सबसे पहले Q1 चार्ज को यहाँ लेकर आए हैं जिससे एक सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ देन Q2 Q3 Q4 चार्ज को जैसे जैसे हम लेकर आते जाएंगे वैसे वैसे इनके पोटेंशियल जो है इनके वर्क के फॉर्मूलाज में ऐड होते जाएंगे अब डिपेंड करेगा कि इससे पहले पोटेंशियल कितना आया है इसके पहले पोटेंशियल कोई नहीं था तो यहाँ पर वर्क 0 यहाँ पोटेंशियल V के लिए है देन Q2 वाले फार्मूले ने इसको इंक्लूड कर दिया इसके पहले पोटेंशियल Q1 के लिए भी है 2 के लिए भी है देन दोनों का पोटेंशियल हमने यहाँ ऐड कर दिया है इसमें पोटेंशियल 1, 2 और 3 के लिए रहेगा क्योंकि ये तो हम फोर्थ चार्ज लेकर आ रहे हैं तो तीनों चार्ज का जो पोटेंशियल है वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है वर्क के फॉर्मूले में देन टोटल वर्क हमने ये निकाल लिया है इसमें कितनी टर्म्स बन रही है 6 टर्म्स यहाँ पे बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितनी बननी चाहिए थी वैसे 7 बननी चाहिए थी वर्क V1 जो है W1 जो है वो कितना आता है 0 आता है तो टर्म हमने हमें कितनी मिली है यहाँ पर 6 टर्म मिली है और ये कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए यही जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल होगा U ये इस सिस्टम की क्या है पोटेंशियल एनर्जी है तो इस तरह से हम कितने भी चार्जेस लेकर उन चार्जेस का सिस्टम बनाकर हम उनके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच